In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine. Today is our third lecture, and those students who did not watch our previous lecture, please watch them. And do like, share and subscribe. Okay? We have ended our first chapter yesterday, and today we will discuss the vocabulary, glossary and different exercise. First we have to start from glossary. As you know that we will write words, meaning and synonyms. Okay, hum words, meaning and synonyms write karte hain. ग्लॉसरी में जस्ट आपको वर्ड्स और सिनोनिम्स दिए हुए हैं, इसके मीनिंग्स नहीं दिए हुए. मैं आपको मीनिंग्स बताऊंगी, वो आपने अपनी नोटबुक पे राइट डाउन करने हैं. ओके, ये जस्ट 10 हैं. इसके नीचे भी जो हैं, जो वोकैबुलरी में क्वेश्चन नंबर ए है, गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड्स एज यूज इन द लेसन. हम ये वाले वर्ड्स भी आज डिस्कस करेंगे, ठीक है. सबसे पहले हम ग्लॉसरी के फर्स्ट वर्ड पे आते हैं, एनसेस्टर. एनसेस्टर का मतलब अबाव, अजदाद. डेस्टिट्यूट का मतलब मोहताज. इक्विटेबल, मुनसिफाना. फिर्म, पुख्ता. फो, दुश्मन. इंटरसीड, हिमायत करना या दरख्वास्त करना. मैग्नीट्यूड, अजमत. ओ, कर्जदार होना. रिवेंज, इंतकाम या फिर बदला लेना. सीक, तलाश करना. ठीक है, ये मीनिंग्स आप लोग लिख लें अपनी नोटबुक में, और ये वाले वर्ड्स भी चाहें तो ऊपर वालों के साथ मिला के ही लिख दीजिएगा. वर्ड्स मीनिंग सिनोनिम्स, ठीक है. अब मैं इस मॉडल वर्ब का पहले आपको मीनिंग बताऊंगी, फिर आपको सिनोनिम बताऊंगी, वो भी आपने अपनी नोटबुक पे राइट करना है. मॉडल मीन्स नमूना, एग्जाम्पल या डिज़ाइन या सैम्पल लिख सकते हैं. पाइटी, नेकी. होलीनेस, HOLINESS. एटर्नल, अबदी. एटर्नल का मतलब अबदी, एवरलास्टिंग. EVERLASTING, एवरलास्टिंग. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एक्सचेंज. एक्सचेंज नहीं, सॉरी, अर्नड. अर्न का मतलब हासिल की, वॉन या ऑब्टेन्ड. सरमन, खुतबा. एड्रेस, ADDRESS. रिवेंज, इंतकाम या बदला लेना. ये हमारे पास प्रीवियस में भी आ गया है, तो रिवेंज ना लिखें आप लोग. कमांडमेंट, हुक्म. अ डिवाइन कमांड, अ डिवाइन कमांड. अपहेल्ड, बरकरार रखा. सस्टेन्ड, SUSTAINED. डेस्टिट्यूट भी आप ऊपर पढ़ चुके हैं, मोहताज. ये भी ना लिखिएगा. प्रोक्लेम्ड, ऐलान फरमाया. अनाउंस्ड, ANNOUNCED. ट्रांसेंड, मावरा होना. राइज अबव, RISE ABOVE. राइज अबव. नाउ अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी है, चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड. इक्विटेबल का है, इक्विटेबल का मतलब है मुनसिफाना, तो इसका होगा फेयर. एंसेस्टर का है अबाउजदाद मीनिंग, और इसका होगा बी, फोर फादर. ठीक है, इसका होगा फोर फादर. फो का है एनिमी, ऑप्शन नंबर बी, एनिमी, दुश्मन. फिर्म का मतलब है साबित कदम, तो इसका होगा परसिस्टेंट, ऑप्शन नंबर सी. नंबर फाइव, ग्लोरियस,
ग्लोरियस का मतलब शानदार, इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। लस्ट्रियस, स्प्लेंडेड, फेबुलस, तीनों ही हो सकते हैं इसके, ठीक है। अब हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स आ गए हैं। ऑप्शन नंबर सी, गिव मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स एंड यूज दिस फ्रेजल वर्ब्स इन सेंटेंसेस। फ्रेजल वर्ब्स आपको दिए हुए हैं जिसको हम जो है वो मुहावरा भी कहते हैं। ये आपने जो है वो इसके मायने भी लिखने और आगे सेंटेंसेस भी लिखने। मैं आपको मीनिंग भी बताती जाऊंगी और सेंटेंसेस मैं आपको बताती जाऊंगी, चाहे तो वो लिख लें चाहे तो खुद से सर्च करके खुद से बना के लिख लें। गिल्टी ऑफ, मुजरिम, द ज्यूरी फाउंड हर गिल्टी ऑफ थेफ्ट, क्या मतलब, ज्यूरी ने उसे चोरी का मुजरिम ठहराया। बिलोंग टू, से ताल्लुक होना, ही बिलोंग्स टू अ नोबल फैमिली, वो एक शरीफ खानदान से ताल्लुक रखता है। एक्सचेंज फॉर, बदले में, ही टुक माई ओल्ड कार इन एक्सचेंज फॉर अ न्यू बाइक, वो एक नई मोटरसाइकिल के बदले में मेरी पुरानी कार ले गया। इन अकॉर्डेंस विद, के मुताबिक, ही डिसाइडेड द मैटर इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, इसने मामले का फैसला कानून के मुताबिक किया। स्टूडेंट्स, वी हैव रेड क्वेश्चन नंबर ए, बी एंड सी एंड ग्लॉसरी। आज के लिए जस्ट इतना ही लेक्चर है। इंशाल्लाह अब कमिंग वीक में, क्योंकि हमारा आज लास्ट डे था, अब हम कमिंग वीक में मंडे वाले दिन डिस्कस करेंगे। आपसे मेरी गुजारिश है कि काइंडली ये जो मैंने आपको काम करवाया है इसको नोटबुक्स पे राइट डाउन कर लें ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो।